हेलो एवरीबॉडी सभी को नमस्कार अंग्रेजी की क्लास और गाइस आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं और मास्टर करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को जिसको हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं तो जानेंगे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं कैसे फंक्शन करते हैं कितने टाइप्स के होते हैं और इनके ऑर्डर्स किन ऑर्डर में आपको इन्हें यूज करना दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड तो लेसन एंड तक जरूर देखना रियली देखनाइड एवरीबडी डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव को समझने से पहले जल्दी से ये समझ लेते हैं कि एजेक्टिव क्या होता है देखिए एजेक्टिव एक वर्ड होता है जो एक नाउन को मोडिफाई करता है उस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है इंग्लिश में ठीक है इन सबको सेपरेटली मास्टर करेंगे most used, most common, uh, uh, English, आज हम बात करें सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला सबसे ज्यादा कॉमन एजेक्टिव जो कि है डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव आप देखिए इसको हम डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एजेक्टिव डिस्क्राइब क्वालिटी इससे बनाइए ये कैसा एजेक्टिव है जो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है उसको डिस्क्राइब करके उसके क्वालिटी की बात करते हैं ठीक है थीके? अगर कोई नाउन व्यक्ति है तो एजेक्टिव डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव उसको डिस्क्राइब करेगा उसके फिजिकल फॉर्म की बात करेगा उसकी क्वालिटी की बात करेगा कि वो दिखने में कैसा है उसका कलर कैसा है उसकी क्वालिटी क्या है उसमें uh, खूबियां क्या है वो किस कंट्री से है किस साइज में अलग अलग तरीके से उस नाउन को ये डिस्क्राइब कर सकता है अब ये किस किस तरीके से कर सकता है इसकी भी लिस्ट है एक ऑर्डर भी है है ना वो भी समझेंगे अभी ये समझिए कि डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से उस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसके फिजिकल फॉर्म के बारे में बताएगा उसकी क्वालिटी बताएगा या उसका एक फीचर बताएगा डेफिनेशन लिखिए आपके सामने एक बार देख लेते हैं जल्दी से डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव डेफिनेशन इट्स अ वर्ड दैट गिवस इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन ये क्या है एक वर्ड है जो किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है इट डिस्क्राइब डिस्क्राइब्स और टॉक्स अबाउट अ क्वालिटी और अ फ्यूचर ऑफ द नाउन इट मोडिफाइज ये जिस भी नाउन को मोडिफाई करता है जिस भी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसकी क्वालिटी uh, या फ्यूचर के बारे में बताता है आप देखिए प्लेसमेंट समझिए इट ईदर कम्स जस्ट बिफोर अउन इन अउन फेज इन नाउन फ्रेज यहां पर ये थोड़ा सा मिसिंग है फ्रेज या तो ये नाउन फ्रेज में नाउन फ्रेज में नाउन के बिल्कुल बगल में बैठेगा बिल्कुल बगल में ये ठीक है या ये लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या दूसरा समझ लो या ये लिंकिंग वर्ब के बाद में आएगा सब्जेक्ट आएगा फिर लिंकिंग वर्ब आएगा फिर हमारा यहां पर एजेक्टिव आएगा डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव की हम बात कर रहे हैं ठीक है क्या है एक वर्ड है जो किसी नाउन के फीचर या क्वालिटी के बारे में बात करेगा दो प्लेसमेंट है या तो वो नाउन फेज में जिस नाउन को मॉडिफाई करे उसके बिल्कुल बगल में आ जाएगा या ये लिंकिंग वर्ब के बाद में आ जाएगा अकेला ठीक है कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं फिर इनके सारे टाइप्स और इनके ऑर्डर्स की बात करेंगे राइट एग्जाम्पल नंबर वन दे गॉट एन अमेजिंग दे गॉट मी एन अमेजिंग गिफ्ट लास्ट ईयर थोड़ी सी टाइपिंग में हो रखी है मिस्टेक फॉर विच आई एम सॉरी ठीक है दे गॉट मी एन अमेजिंग गिफ्ट लास्ट ईयर उन्होंने मुझे बहुत ही जबरदस्त गिफ्ट दिया पिछले साल लास्ट ईयर ठीक है दे गॉट मी एन अमेजिंग गिफ्ट ये तो हो गई हमारी नाउन फेस ठीक है यहां पर एन जो कि आर्टिकल है ये भी एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है बट ये डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव नहीं है इसको हम डिटर्मिनर बोलते हैं ठीक है तो ये भी एजेक्टिव है इसको भी हम एजेक्टिव बोलेंगे लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव नहीं है यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव है हमारा अमेजिंग जो कि बता रहा है गिफ्ट के बारे में कि गिफ्ट कैसा है डिस्क्राइब कर रहा है कि गिफ्ट को डिस्क्राइब करो कैसा गिफ्ट था अरे भाई साहब जबरदस्त गिफ्ट था मस्त मजा आ गया अमेजिंग गिफ्ट ठीक है तो गिफ्ट हो गया नाउन अमेजिंग हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव दूसरा देखो योर सिस्टर इज क्यूट तो योर सिस्टर यहां पर नाउन फ्रेज है ठीक है इज लिंकिंग वर्ब है क्यूट हमारा एडजेक्टिव है तो क्यूट रेफर कर रहा है सिस्टर को कि आपकी सिस्टर जो है तो क्यूट है तो आपके सिस्टर को हम डिस्क्राइब कर उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ठीक है कैसी हैं वो उनके फिजिकल फीचर के बारे में बात कर रहे हैं या एक क्वालिटी की कैसी है वो क्यूट है लोग उन्हें क्यूट पाते हैं या एटलीस्ट मुझे वो क्यूट लगती है ठीक है तो यहाँ पर देखो ये लिंकिंग वो आपके बगल में आ रहा है नाउन के पहले नहीं आ रहा लिंकिंग वो आपके बगल में आ रहा है जिस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है वो नाउन इससे थोड़ा दूर है ठीक है तीसरे एग्जांपल देखो मैक्स बॉट अ स्मॉल ब्राउन चेयर लास्ट नाइट मैक्स ने पिछली रात को एक छोटी सी भूरे कलर की चेयर खरीदी अब देखिए यहां पर हमारे पास दो डिस्क्रिप्टिव हैं। पहली चीज अच्छा थोड़ा सा ऊपर वाले को मिटा देते हैं दोस्त है ना तो यहां पर हमारी नाउन फेज क्या है देखिए हो गया सब्जेक्ट मैक्स बॉट हो गया वर्ब मैक्स ने खरीदा क्या खरीदा अ स्मॉल ब्राउन चेयर ये हो गई हमारी नाउन फेज वर्किंग एज दी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बॉट तो मैक्स ने खरीदा क्या खरीदा आ small brown chair तो चेयर तो हो गया अभी यहां पर नाउन अंडरलाइन कर रखा है ये हो गया नाउन चेयर खरीदी तो आ बता रहा एक खरीदी ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव नहीं है डिटरमिनर है आर्टिकल है ठीक है इसको अलग से समझेंगे तो ये समझ लीजिए कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव अगर सिंगुलर नाउन है तो इनसे पहले एक डिटरमिनर आएगा अगर नाउन प्लुरल है तो जरूरत नहीं है डिटरमिनर की तो पहली बात तो ये चेयर स्मॉल है तो स्मॉल डिस्क्राइब कर रहा है चेयर को कि चेयर कैसी है ये कैसी चेयर है ये स्मॉल है यार चेयर है ना चेयर स्मॉल है दूसरी चीज ये कलर में कैसी है ये ब्राउन है तो स्मॉल और ब्राउन ठीक है स्मॉल और ब्राउन दोनों चेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा अब देखिए क्या हम इसको ऐसे बोल सकते थे मैक्स बॉट आ ब्राउन स्मॉल चेयर गलत हो जाता क्यों अभी हम बात करेंगे जब एक से ज्यादा डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव का यूज करेंगे एक नाउन फ्रेज में वो भी अलग अलग टाइप्स के कोई 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 फीचर बता बता रहा है, कोई color बता रहा है है कलर नेशनैलिटी बता रहा है तो एक ऑर्डर हमें फॉलो करना पड़ता है उस ऑर्डर की हम बात करेंगे थर्ड सॉरी फोर्थ एग्जाम्पल देखिए इज अ रिनोन्ड अमेरिकन राइटर वो एक बहुत पहचाना अमेरिकन राइटर है ये हो गई हमारी नाउन फेज राइटर हो गया हमारे यहाँ पर नाउन आ हो गया आर्टिकल रिनोन्ड मतलब पहचाना जाना पहचाना अमेरिकन उसकी नेशनैलिटी बता रही कहां का है वो तो अमेरिकन भी हमारा डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव है और रिनॉन भी हमारा डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव है दोनों मॉडिफाई कर रहे राइट राइटर नाउन को तो देखिए कॉमन डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव कैसे हैं गुड बैड ब्यूटिफुल अगली शॉर्ट स्मॉल टोंग टॉल लॉन्ग है ना ये सारे हमारे कॉमन डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव है ना लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए लुक एट द ओल्ड मैन प्लेइंग विद दो स्मॉल किड्स

ये छोटे छोटे बच्चे ठीक है चलिए तो समझ में आया डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या है कैसे ये फंक्शन करते हैं कहां पे आएंगे या तो नाउन के बगल में आएंगे या लिंकिंग वर्ब के बाद आएंगे इतना समझ में आया ठीक अब समझ लो टाइप्स और ऑर्डर्स डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के देखो एक नाउन को ना चलिए एक व्यक्ति ले लिया हमने एक व्यक्ति ले, ले लेते हैं एक नाउन के बारे में आप अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन दे सकते हो आप उसके क्वालिटी बता सकते हो आप उसका साइज बता सकते हो आप उसको एज के फॉर्म में मतलब वो बूढ़ा है जवान है मॉडर्न है है ना ओल्ड स्कूल है उसके एज के फॉर्म में उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो उसको डिस्क्राइब कर सकते हो उसके शेप के फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हो उसके कलर के फॉर्म में उसको डिस्क्राइब कर सकते हो और जिन नेशनैलिटी बता सकते हो मटेरियल उसमें क्या यूज हुआ है ये तो व्यक्ति है यहाँ तो इसका मटेरियल नहीं आएगा बट अगर कोई चीज होती तो उसका मटेरियल हम बता सकते हैं पर्पस किस काम के लिए है वो वो भी बता सकते हैं ठीक है तो किसी भी नाउन को हम इन आठ तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं तो ये आठ तरीके के डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव हमारे पास होते हैं इंग्लिश में अंडरस्टैंड दिस ठीक है अब मैं आपको एक और चीज बता दू कि देखिए हम एक एडजेक्टिव यूज करते हैं किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव दो भी कर सकते हैं दो भी चल जाएगा तीन कभी कभार हार्डली हम कर सकते हैं तीन के बाद अगर आपने कराना तो सेंटेंस काफी ज्यादा क्या लगेगा ऑड तो जबकि हमारे पास आठ टाइप के डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव हैं इंग्लिश में आप आठों को यूज नहीं कर सकते आप करना चाहो तो इतना वियर्ड हो जाएगा आपका सेंटेंस वो नाउन फ्रेज इतनी ज्यादा वियर्ड हो जाएगी कि टेक्निकली ग्रामेटिकली तो आपने उसको सही कर दिया बट इट विल नॉट मेक एनी सेंस मतलब बहुत ही अजीब लगेगा तो ये समझ लो कि ज्यादा से ज्यादा हम दो ही यूज करते हैं यार एक या दो ज्यादा हो गया तीन कर लेंगे नहीं तो नहीं करते नहीं तो का उस नाउन को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करेंगे यूज करना है देखिए अगर वो नाउन सिंगुलर काउंटेबल है पहले है समझ लो आपको मैं पूरा ऑर्डर ऑर्डर बता देता हूं अभी वो भी ऑर्डर लिख रखा है मैंने अगर कोई नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कैन बी काउंटेड सिंगलर काउंटेबल नाउ तो इन सबसे पहले आएगा एक डिटर्मिनर क्या आएगा डिटर्मिनर इस पे लेसन ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे जाके देख सकते हैं आर्टिकल्स प्रोसेसिव एडजेक्टिव्स डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्वानिफायर्स ये होते हैं डिटर्मिन इसके बाद नंबर बी आ सकता है और फिर इसके बाद ये सारे डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव आएंगे अगर नाउन सिंगलर काउंटेबल है नंबर की जरूरत नहीं है डिटर्मिनर तो आएगा ही आएगा। अगर इफ यू हैव अ काउंटेबल नाउन इन योर सेंटेंस सिंगुलर मीन नाउन व्हिच इज बी काउंटेड ऐसा नाउन जो एक हो नंबर में और जिसको गिना जा सके अगर ऐसा नाउन है तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव से पहले डिटर्मिनर का यूज आपको करना

फिर सी सी या एस बोल एन बोल दीजिए मटेरियल को एम बोल दीजिए है ना पर्पस को पी बोल दीजिए तो आप इसको याद कर सकते हो इस इस करी इस तरीके से आप ओसेम बना सकते हो जिस भी तरीके से आप बनाना चाहो वो आपके आपकी इच्छा है इस तरीके से एक बना सकते हो ऑर्डर याद करने के लिए ठीक है ऑर्डर देखो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको सही तरीके से यूज करने के लिए अब हम सारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को करके समझेंगे ठीक है और कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा यहां पर हमने रिनोल्ड अमेरिकन देखिए पहले हमने क्वालिटी बताई फिर उसकी नेशनैलिटी बताई अमेरिकन रिनोल्ड नहीं बोल सकते थे पहले हमने स्मॉल साइज बताया फिर उसका कलर बताया यहां पे देखिए पहले साइज आया फिर कलर आया है ना तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स और देखेंगे वेबसाइट पे पोस्ट अवेलेबल है वहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वहां पे भी आप जा सकते हैं रेफर कर सकते हैं फिलहाल ये पोस्ट में ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगे आ, ये आपको थोड़ा छोटा दिखेगा मैं बोलूंगा तो बोलने से आपको ज्यादा समझ में आएगा ठीक है क्योंकि रोज ये लिखना पड़ता है बनाना पड़ता है बहुत टाइम लगता है है ना तो कोशिश की है कि समय बच जाए थोड़ा और आपको समझ भी आ जाए तो उतना शायद अगर ज्यादा छोटा होगा तो उसके लिए माफी आप वेबसाइट पे चले जाए है ना वहाँ पे भी सारा कुछ है आप देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ठीक है तो सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे क्वालिटी और अपीनियन किसी नाउन को मॉडिफाई करेंगे उसकी क्वालिटी बता के तो इसमें देखिए कॉमन एबजेक्टिव क्या है गुड बैड स्मार्ट डम इंटेलिजेंट ब्रेव कावर्ड नाइस एक्सपेंसिव पिटी पेटी चीप तुच्छा चीप सस्ता टाइनी छोटा लवली क्यूट हेल्पफुल एरोगेंट हार्ड वर्किंग सोबर स्पूट लॉजिकल इजी डिफिकल्ट है ना ये सब कॉमन क्वालिटी वाले क्वालिटी ओपिनियन ओपिनियन मतलब ये आपका ओपिनियन है आप किसी को गुड बोल रहे हो तो आपके लिए वो गुड हो सकता है किसी के लिए बैड हो सकता है अगर किसी को आप स्रूट बोल रहे हो तेज बोल रहे हो मतलब दिमाग का तेज वो आपके लिए स्रूट हो सकता है किसी और के लिए ना हो किसी को आप डिफिकल्ट बोल रहे हो कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आपको लग रहा है तो शायद आपके लिए डिफिकल्ट हो दूसरे के लिए ना हो इसलिए हम इसको ओपिनियन भी बोल रहे हैं क्वालिटी या ओपिनियन ठीक है क्वालिटी बता रहे हो लेकिन वो बेसिकली आपका वो स्पीकर का ओपिनियन है एग्जाम्पल देखिए इट इज अ गुड प्राइस ये एक अच्छा प्राइस है प्राइस है कैसा प्राइस है अच्छा प्राइस ठीक है डिस्क्राइब कर रहे हैं प्राइस को आपके लिए अच्छा हो सकता है किसी और के लेना हो यू डोंट लुक सोबर 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 आप sober नहीं दिख रहे मतलब एकदम बिना पिए हुए नहीं दिख रहे हो आप तो यहां पर देखिए लुक यहां पर लिंकिंग वॉब है ठीक है यू इक्वल्स टू सोबर तो यहाँ पर लिंकिंग वॉब तो के बाद एजेक्टिव आ रहा है तीसरा देखिए फोर्थ लिखा है वी नीड ए स्ट्रॉन्ग मैन इन अर ग्रुप हमें एक स्ट्रॉन्ग आदमी की जरूरत जरूरत जरुछ है तो देखिए क्या लिखा है यहां पर आ स्ट्रोंग मैन ये है हमारी नाउन फ्रेज जिसमें मैन तो है नाउन अब देखिए सिंगल अर काउंटेबल नाउन है मैन एक है और इसको गिना भी जा सकता है तो स्ट्रांग से पहले हमारे पास आ लगा है डिटर्मिनल वी कान से वी नीड स्ट्रॉन्ग मैन इन आर ग्रुप ग्रुप वी नीड आ स्ट्रॉन्ग मैन तो स्ट्रांग बता रहा है मैन के बारे में ठीक है तो ये हो गए क्वालिटी वाले डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव जो क्वालिटी बताएंगे

तो इसमें स्मॉल बिग ह्यूज टाइनी यूजनी शॉर्ट मैमथ मैमथ मतलब ह्यूज होता है वर्ड मतलबेंटे मतलब काफी बड़ा लॉन्ग लंबा साइज के फॉर्म में दैट्स अ स्मॉल हाउस वो कैसा हाउस है आ स्मॉल हाउस देखिए क्या लिखा है आ स्मॉल हाउस मैं लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपको दिखे अच्छे से है ना हाउस अब हाउस सिंगल अकाउंटेबल है तो एडजेक्टिव से पहले हमने डिटर्मिनेंट लगाया आ दिस इज स्मॉल स्मॉल हाउस है ना कैसा हाउस स्मॉल साइज के फॉर्म में उसको मोडिफाई कर रहे हैं अगर हमें दोनों यूज करना है क्वालिटी भी और साइज भी तो पहले क्वालिटी आएगी फिर साइज आएगा दिस इज अ स्मॉल हाउस दिस इज अ अफुल स्मॉल हाउस ठीक है दूसरा एग्जाम्पल देखो इट्स अ लॉन्ग जर्नी कैसी जर्नी है आ लॉन्ग जर्नी जर्नी भी सिंगलर काउंटेबल है तो आ लॉन्ग जर्नी ठीक है लॉन्ग यहां पर बता रहा है जर्नी को साइज जर्नी लंबी जर्नी ठीक है चलिए तीसरे पे आते हैं इसको कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे तीसरा है हमारा एज अब हम किसी को एज के फॉर्म में बताएंगे कि वो नया है पुराना है न्यू ओल्ड यंग है मॉडर्न है ओल्ड स्कूल है एजेड है तो ये वर्ड्स एज के फॉर्म में किसी को मॉडिफाई करते हैं कि वो क्या एज के फॉर्म में कैसा है वी नीड यंग पीपल इन आर टीम हमें जवान लोग चाहिए तो यहां पर देखिए हमने क्या बोला यंग पीपल पीपल है प्लूरल नाउन तो अब हमें एजेक्टिव से पहले डिटर्मिनर की कोई ना एजेक्टिव की जरूरत नहीं।, नहीं यंग पीपल कैसे लोग यंग लोग तो एज के फॉर्म में बता रहे हम यहां पर ओल्ड भी बोल सकते थे वी नीड ओल्ड पीपल और वी डोंट नीड ओल्ड पीपल इन अ टीम ठीक है दूसरा एग्जांपल दे देते हैं इसको कर देते हैं मिटो हैव यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन देयर प्रोडक्शन आप देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी यहां पर एबस्ट्रेक्ट नाउन है ठीक है तो जब सिंगलर नाउन नहीं है तो आपको नहीं है यहां पर भी हमने एज के फॉर्म में मोडिफाई कराए ठीक है आप यहाँ पर आप दो मॉडिफायर यूज कर सकते हो चलिए एक मैं क्वालिटी वाला ले लेता हूँ दूसरा एज वाला ले लेता हूँ यू आर स्मार्ट यंग पीपल यू आर स्मार्ट यंग पीपल तो देखिए पहले हमने स्मार्ट क्वालिटी लिया फिर हमने एज बताया पीपल यू आर स्मार्ट यंग पीपल राइट यू आर यू आर यूज और दे आर यूज साइज नहीं लेते यार एक मिनट रुकिए जरा दोस्त इसको मिटा लेते हैं है ना दे आर चीप मॉडर्न हाउसेस दे आर चीप मॉडर्न हाउसेस तो चीप बताया क्वालिटी बताई चीप है फिर एज के फॉर्म में बताया मॉडर्न है और क्या है हाउसेस तो देखिए ये समझना जरूरी है अब आप मॉडर्न चीप हाउस बोल दोगे तो ये गलत हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा तो ये समझना जरूरी है तो इसको इसको समझना है कि किस पैटर्न में इसको यूज करना है ठीक है तो हमारा एज हो गया एज के फॉर्म में हम, हमने मॉडिफाई कर लिया फिर आ गया शेप शेप के फॉर्म में किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं शेप वाले वर्ड्स हैं राउंड सर्कुलर ओवल फ्लैट स्क्वायर ट्राइंगुलर ठीक है सम पीपल डोंट बिलीव अर्थ इज राउंड कुछ लोगों को लगता है कि जो पृथ्वी है वो राउंड नहीं है ठीक है पृथ्वी कैसी राउंड

कैसा बॉक्स है ब्लैक बॉक्स है ठीक है कैसा रिमोट है व्हाइट रिमोट है ठीक है कैसी टी शर्ट है व्हाइट टी शर्ट है तो आप किसी भी नाउन को कलर के फॉर्म में मॉडिफाई कर सकते हो इट्स अ वाइट कोट कैसा कोट है आ एक कोट है कोट सिंगलर है तो हमने आ लगाया फिर व्हाइट लगाया एडजेक्टिव ठीक है आ व्हाइट कोट कैसा कोट व्हाइट कोट ही हैज अ ब्लू कार उसके पास एक ब्लू कार है आ ब्लू कार तो कार सिंगलर काउंटेबल है तो पहले आ लगाया डिटर्मिनर फिर ब्लू एजेक्टिव लगाया जो कि कार के कलर के बारे में बता रहे ठीक है ठीके? आप ये भी बोल सकते हो ही हैज एन एक्सपेंसिव लिख देता हूं एन एक्सपेंसिव ब्लू कार ब्लू कार उसके पास एक महंगी ब्लू कार है ठीक है फिर आ गया आपका ओरिजिन या नेशनैलिटी ठीक है वो व्यक्ति वो चीज कहां से है किस ओरिजिन से है? उसका ओरिजिन क्या है किस देश से है वो इंडियन चाइनीज अमेरिकन चा, इटालियन पाकिस्तानी ठीक है इस तरीके से ये वर्ड्स हैं जो ओरिजिन के बारे में बताएंगे एग्जांपल ले लेते हैं अच्छा पहले इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं दोस्त है ना अच्छा ये क्या हो गया दोस्त पूरे ही मिटा देते हैं चलो बहुत बेहतरीन ठीक है ओरिजिन ओरिजिन की बात करेंगे वी आर प्राउड ऑफ द इंडियन आर्मी हम इंडियन आर्मी पे प्राउड है आर्मी इंडियन आर्मी इंडिया की आर्मी ठीक तो, है लेट्स ऑर्डर सम चाइनीज फूड तो सम चाइनीज फूड यहां पर नाउन फ्रेज है सम डिटरमिनर हो गया चाइनीज फूड फूड यहां पर इनका अनकाउंटेबल है फिर हमने इसको मॉडिफाई करा सम चाइनीज फूड ठीक है क्वांटिटी बताएं चाइनीज जो चाइना से हो चाइना से मतलब चाइना से नहीं आएगा उस चाइनीज फूड हो चाइनीस चाइना वाला प्रिपरेशन हो उसका ठीक है बेहतरीन ओरिजिन हो गया आ, आप आप दो या तीन नाउन भी जोड़ के मॉडिफाई कर सकते हो आप बोल सकते हो वी हैव सम चीप चाइनीज प्रोडक्ट्स हमारे पास कुछ चीप सस्ते चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं ठीक है फिर आ गया मटेरियल आराम से समझो यार आराम से समझो मटेरियल ठीक है मटेरियल में ये सारे वर्ड्स आपको मटेरियल बताएंगे कि वो चीज किससे बनी हुई है ठीक है सिल्वर कॉटन गोल्ड लेदर सिल्क प्लास्टिक आयरन द मटेरियल डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स इसके अलावा भी हो सकते होंगे ठीक है ये कुछ कॉमन है एग्जाम्पल देखिए आई लव कॉटन कैंडीज कॉटन से बनी हुई कैंडीज ठीक है शी बॉट मी उसने मेरे को एक दिया मेरे लिए खरीदा क्या खरीदा आ गोल्ड चेन एक चैन खरीदी और वो कैसी थी गोल्ड की सोने की चैन थी वो तीसरा देखो Silk are in Vogue these days. Vogue. Vogue मतलब सिल्क साड़ीज आर इन वो दीज डेग वो मतलब फैशन ट्रेंड ठीक है मतलब सिल्क साड़ी आजकल ट्रेंड में है फैशन में है कैसी साड़ी सिल्क की साड़ी जो सिल्क से बनी हो ठीक है सिल्क से बनी साड़ी फैशन में एथ हो गया हमारा पर्पस तो हम पर्पस भी बता सकते हैं किसी चीज का तो यहां पर हमारे पास बेसिकली जेरेंस होते हैं या नाउंस होते हैं जो एजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं समझ लो ये काफी ट्रिकी है यहां पर हमारे पास वो वर्ड्स होंगे जो नाउन्स होंगे या जेरेंट्स होंगे बट वो की Office, school, एजेक्टिव की तरह फंक्शन करेंगे ऑफिस स्कूल गवर्नमेंट ये देखिए क्या है सारे नाउन्स है लेकिन ये एजेक्टिव की तरह फंक्शन कर सकते हैं सेंटेंस में सिंगिंग टीचिंग एजेक्टिव की तरह ही फंक्शन करेंगे अभी देखिए एग्जाम्पल देखिए इन इंडिया भारत में मोस्ट पीपल आर रनिंग आफ्टर अ गवर्नमेंट जॉब भारत में ज्यादातर लोग एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे तो तो गवर्नमेंट के लिए काम करने वाली जॉब ठीक है तो गवर्नमेंट यहां पर नाउन की तरफेक्टिव की तरफ मोडिफाई कर, कर रहा है नाउन uh, जॉब को दूसरा देखिए इट्स स्कूल बैग इट इज अ स्कूल बैग ये कैसा बैग है स्कूल का बैग है पहली बात तो ये एक बैग है ठीक है और ये किस पर्पज के लिए स्कूल ले जाने के लिए स्कूल में यूज करने वाला बैग तो स्कूल नाउन होता है लेकिन यहां पर ये नाउन की तरह फंक्शन नहीं कर रहा है. ये मोडिफाई कर रहा है बैग को पर्पज बता रहा है बैग किसके लिए है स्कूल के लिए तीसरा देखिए इट इज अ टीचिंग जॉब ये कैसी जॉब है टीचिंग की जॉब है तो एक जॉब सिंगुलर काउंटेबल है तो डिटर्मिनल लगाना ही था ठीक है टीचिंग पढ़ाने वाली जॉब इसमें आपको पढ़ाना होगा तो पर्पज पर पर बता रहे हैं ये जॉब में क्या करना पड़ेगा आपको पढ़ाना पड़ेगा तो टीचिंग यहाँ पर जेरेंड जेरेंड नहीं बोलेंगे जेरेंड नाउन की तरह फंक्शन करता है इसको प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ अ वर्क बोलिए जो कि यहां पर एजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल यार सिंपल तो है प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलो जेरेंड क्यों बोल रहा हूँ तो उसको जेरेंड नहीं बोलना है दोस्त ठीक है प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्किंग एज एन एजेक्टिव गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन ये सारा क्लियर हो गया चलिए बहुत बेहतरीन आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करने जो कि शायद मैंने ऑलरेडी कुछ बताया कुछ नहीं बताया पहला देखिए इफ टू और मोर एडजेक्टिव्स आर टेकन फ्रॉम द सेम कैटेगरी टू मॉडिफाई अ नाउन अगर दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स एक ही कैटेगरी से ले रखा है आपने एक ही कैटेगरी से मतलब मटेरियल से या परपस से या ओरिजिन से एक ही से आपने दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव ले रखे हैं किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए तो आपको कॉमास का यूज करना पड़ेगा उन्हें सेपरेट करने के लिए और लास्ट वाले से पहले आपको एंड लगाना पड़ेगा एडजेक्टिव देखिए सॉरी एग्जाम्पल देखिए शी इज अ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट गर्ल तो अगर दो हैं तो, तो आप केवल कंजंक्शन एंड का यूज करिए स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट अब ये दोनों क्या है ये क्वालिटी बता रहे हैं ये क्वालिटी वाले में से लिए हमने स्मार्ट भी और इंटेलिजेंट भी लड़की कैसी है स्मार्ट है और इंटेलिजेंट है इसको आप ऐसे नहीं बोलोगे शी इसको आप ऐसे नहीं बोलोगे शी इज स्मार्ट इंटेलिजेंट गर्ल स्मार्ट इंटेलिजेंट गर्ल वो गलत हो जाएगा शी इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट गर्ल ठीक है दूसरा देखो हिज हाउस इज ब्लू रेड एंड येलो उसका घर कैसा है ब्लू रेड और येलो ये कलर है उसके घर के देखिए तीन थे तो पहला के बाद हमने कॉमन लगाया दूसरे के बाद कॉमन लगाया और तीसरे से पहले हमने कंजंक्शन एंड लगाया क्लियर है जब आप दो या दो से ज्यादा एजेक्टिव लेते हो सेम कैटेगरी से तो आपको कॉमा और एंड का यूज करना पड़ेगा दो है तो कॉमा नहीं लगेगा एंड से जोड़ दीजिए दो से ज्यादा है तो दोनों से पहले कॉमा लगाइए पहले के बाद दूसरे के बाद और लास्ट से पहले एंड लगा दीजिए लास्ट से पहले लगाने की जरूरत नहीं है ठीक है ये तो हो गया पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दूसरा इफ टू और मोर एजेक्टिव आर टेकन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगोरी अगर अलग अलग कैटेगरी से आपने ले रखे हैं दो या दो से ज्यादा एजेक्टिव टू मॉडिफाई नाउन किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए डोंट यूज कॉमास तो कॉमा यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ठीक है ना एंड यूज करने की जरूरत है ना कॉमा यूज करने की जरूरत है कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है सबको लाइन में यूज करिए ठीक है देखिए दैट इज अस पिंक इंडियन साड़ी वो एक बहुत ही जबरदस्त पिंक इंडियन साड़ी है तो नाइस nice क्वालिटी बता रहा है पिंक कलर बता रहा है इंडियन नेशनैलिटी बता रहा है ठीक है उसी ऑर्डर में नाइस पिंक इंडियन मैन ये काफी ये काफी अच्छी पिंक इंडियन है है ठीक वी हैव एन आउटस्टैंडिंग मॉडर्न गोल्ड ज्वेलरी ज्वेलरी मत बोलिए यार ज्वेलरी थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा नेकलेस बोलिए नेकलेस ठीक है वी हैव एन आउटस्टैंडिंग मॉडर्न गोल्ड नेकलेस हमारे पास पहली बात तो एक नेकलेस है ये डिटर्मिनर हो गया सिंगुलर काउंटेबल है ना ये सिंगुलर काउंटेबल ना तो एन तो लगा दिया हमने आर्टिकल हो गया आउटस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त है तो ये क्वालिटी बता रहा है मॉडर्न तो ये एज बता रहा है ठीक है नए आज के टाइप का है गोल्ड हमारा बता रहा है मटेरियल ठीक है तो हमने देखिए तीन टाइप के अलग अलग टाइप के यहां पर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यूज करें ऑर्डर सही है ऑर्डर वही वाला ऑर्डर है ठीक है लास्ट देखिए जॉन इज टीचिंग सम टैलेंटेड यंग ब्राउन स्टूडेंट्स सम डिटर्मिनर ये पूरी हो गई नाउन फ्रेज हमारी सम डिटर्मिनर हो गया टैलेंटेड ठीक है क्वालिटी बता रहे हैं टैलेंटेड है यंग एज बता रहे हैं ब्राउन कलर बता रहे हैं ठीक है स्टूडेंट्स कैसे बच्चों को पढ़ा रहा है कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है जो कि टैलेंटेड है यंग है और वो कलर में ब्राउन है बुरे हैं इंडियन है मतलब ऐसे बोल लो यार है, है ना समझ में आ गया दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स को अलग अलग कैटेगरी लोगे लो तो कोई कॉमा कोई कंजंक्शन की जरूरत नहीं है। उसी ऑर्डर में जो ऑर्डर में वो यूज होंगे सिंपल है हमने ऑलरेडी बात कर ली है जिन जगह पर वो आते हैं sentence, पर, sentence, we, we आ, जो की एट्रीब्यूटिव एजेक्टिव और प्रेडिकेट एजेक्टिव

ठीक है दूसरा है प्रेडिकेट एजेक्टिव इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेट होते हैं या प्रेडिकेट नॉमिनेटिव होते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे भी वीडियो है जाके आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा वीडियो देखिए ये एजेक्टिव फ्रेजेस होती हैं ये एजेक्टिव होते हैं ठीक है जो कि लिंकिंग वर्ब के बगल में आते हैं लिंकिंग वर्ब बेसिकली लिंक करती है सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को ठीक है ंग वब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक कर दिए ब्रिज की तरह काम कर दिए तो प्रेडिकेट एजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद में इनके बगल में आएंगे ठीक है दिस हाउस इज वेकेंट ये घर कैसा है खाली है तो देखिए लिंकिंग वर्ब के आगे आ रहा है दिस हाउस इज वेकेंट ठीक है अनलाइक योर्स माई जॉब इज चैलेंजिंग तुम्हारी जॉब की uh, तरह नहीं मतलब मेरी जॉब अनलाइक योर्स आपकी तरह नहीं मेरी जॉब चैलेंजिंग है ठीक है, चैलेंजिंग तो लिंकिंग आ रहा है ठीक है तो दोस्त, आज के लेसन में हमने समझा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है कैसे सेंटेंस में फंक्शन करता है कितने इसके टाइप्स होते हैं किन ऑर्डर्स में यूज करना है एक को यूज कैसे करना है एक से ज्यादा जब सेम कैटेगरी से हो तो कैसे यूज करना है जब अलग अलग कैटेगरी से हो कैसे यूज करना है इनके पोजिशन के बेस पर क्या बोले आई होप एवरी वेबसाइट पे जाइए एक क्विज है वो ट्राई आउट करिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इंग्लिश विद आशीष डॉट कॉम आप डेली विजिट करिए ठीक है साइट पे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स मिलेंगे और बहुत ज्यादा डिटेल में मिलेंगे ठीक है ये पोस्ट भी मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाइए करिए और भी एग्जाम्प देखिए और मास्टर कर लीजिए सो होप यू एंजॉयड दिस लेसन होप यू लव अगर आपको लेसन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं कराए मेक यूबार्ट चैनल चैनल पे सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाइए do अगर कोई डाउट है क्वेश्चन है में, and, 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 का का पेज ज्वाइन कर लीजिएगा काफ़ी कुछ होता रहता है डेली वहाँ पर ठीक है और मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्द तब तक, तक के लिए बहुत सारा प्यार आम और नमस्कार